तुमको अंदाजा नहीं कि तुम्हारे पास ये क्या है, तुम बस एक साल आइसोलेट रह लो, एक साल, और तुम आईएएस बन जाओगे, और जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। आज क्या हो रहा है, लड़के फेशियल करा रहे हैं, लड़के फेशियल करा, एलमंड मास्क लगवा रहे, एलमंड लेटे हुए, नाचने जाओगे? नहीं नहीं, तब तुम वहां देखो मोती झील पे सुबह सुबह लड़के एक्सरसाइज करते हैं, मेरे ख्याल से सारा इंस्ट्रूमेंट है वहां पे, जो छोटा सा वो मंदिर बना हुआ हनुमान मंदिर, सारा इंस्ट्रूमेंट वहां पे है, और सही लड़के बॉडी वॉडी बना के सुबह सुबह टी शर्ट उशर्ट पहन के बैठे हुए, नहीं पढ़ाई हो रही ना, यही सब करो, बाजार में बुलेट उठाक पटक दिए, 2-4 हजार लोग वैसे देखे चले आएंगे, भैया ये लो, कुछ तो करो। एक साल यार, अगर तुम 14 साल जीवन में आइसोलेट रह लो तो तुम भगवान बन जाओ। रामचंद्र जी इसी का तो उदाहरण है, तुमसे कौन भगवान बनने के लिए कह रहा है, तुम बस एक साल आइसोलेट रह लो, एक साल, और तुम आईएएस बन जाओगे। एक साल सारी दुनियादारी छोड़ दो, पागल बन जाओ, उल्टी सीधी बात करो लोगों से। लड़कियों को तो और आसान है, बाल खोल के आगे करके ऐसे ऐसे लगी चल, लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है, तुमसे डर के मारे तुम्हारे करीब कोई नहीं आए, 2 महीने में एक बार कर दो, डेली मत करना, पता लगा डॉक्टर के पास ले जा रहे, इलाज करा रहे, झाड़ फूक का, और माँ बाप को कॉन्फिडेंस में ले गए, उनको बता के कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, जो ज्यादा बैठ के तुमसे दुनियादारी करे उससे ऐसे धीरे धीरे आंख चढ़ा के देखना शुरू करो, समझ आएगी आ रहा है। तो समझ जाएंगे आ रहा है। अच्छा दीदी चले, हाँ हाँ जाओ जाओ। और लड़कों के पास सबसे अच्छा हथियार क्या है, पैसा मांग लो, जो तुमसे ज्यादा मिले 10,000 मांग लो, कि 10,000 दे दो यार, कोचिंग का फीस जमा करना है, 2 साल बाद दे देंगे, ना मिलने आए फोन करो, लड़ाई मत करो किसी से। इस दिमाग का अगर तुम इस्तेमाल अपने विकास के लिए नहीं कर सकते तो तुम में और उस जानवर में फर्क ही क्या है,